तो अभी अभी मैं कितनी सारी सीढ़ियाँ उतर के आए हुए देख सकते हैं। ये बंदा भी हमारे साथ नीचे आया है सीढ़ियाँ उतरते उतरते। यहाँ पर आजू बाजू में आपको बहुत सारे शॉप्स वगैरह दिखेंगे। को मूंगफली नहीं पेड़ा ही चाहिए था, मीठा पसंद है इसको, ये छीन के लेके आ गया। इसको लेके जाए क्या घर पे? ये भी बंदर देखने को आए, ये भी बंदर देखने के लिए आए। नमस्कार मित्रों, हो अभी सावन महीना आया है आपको भी पता है, तो उस पावन मौके पे मैं उस्मानाबाद जिसे दाराशिव बोलते हैं तो वहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पर एक इर्शी बोल के गाँव है और वहीं पे रामलिंग है, तो यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ वाटरफॉल देखने के लिए रामलिंग का, और यहाँ पर शिवलिंग जी है दर्शन लेने के लिए आया हूँ। तो ये वाला जो वीडियो है आप अंत तक देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर जंगल है आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ, दर्शन वगैरह हो चुका है और ब्लॉगिंग मैंने अभी चालू कर दिया है हिंदी में वाला, हिंदी वाला। तो नीचे बहुत फिसलन है, कीचड़ है। अभी जा रहे हैं, वाटरफॉल वगैरह दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे पशु पंछी है इसी वाटरफॉल का पानी वगैरह पीते हैं। आप देख सकते हो पानी यहाँ से बहते हुए आ रहा है और जो है फिसलन है बहुत सारा, तो इसमें से मुझे अभी चल के जाना होगा क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं आगे जाने के लिए। चले कोशिश करते हैं, आराम से निकल जाएंगे। ये हरा हरा देख के मेरे को टेंशन आ रहा है। आज मेरा लगेज मेरे साथ ही है। हाँ, आराम से निकल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह भी खींचते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक नज़ारा है, पानी कुछ ही हाइट से नीचे की तरफ जा रहा है। पैरों में मेरे कुछ नहीं है इसीलिए जो पत्थर है वो चुभ रहे हैं बहुत सारे, इसीलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा वाला यहाँ पे है, अच्छा होगा अगर आप यहाँ पर शूज़ वगैरह कैरी करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, बंदर दिख जाएगा आपको, देखो चिढ़ा रहा है, ये गुस्सा कर रहा है हमको। देखिए दांत दिखा रहा है, पूंछ देखिए उसकी कितनी लंबी है, सही है। फिलहाल ये फोटोशूट का लोकेशन बन चुका है टूरिस्ट लोगों के लिए। देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ तक आ चुके हैं ऊपर के बाजू में। तो ट्रैवल टॉकीज पे बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, हालांकि मेरा एक और मराठी चैनल चल रहा है ट्रैवल वाली सिद्धार्थ बोल के, तो उस पर वीडियोज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पे जो वीडियोज़ है वो मराठी में है, हिंदी में नहीं है, और यहाँ पर जो है मैं हिंदी में भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। से जो पानी आ रहा था वो बहते हुए यहाँ पे आ रहा है वाटरफॉल की तरफ, जो सबसे वाला बड़ा वाला जो वाटरफॉल है वहाँ पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी बच्ची भी पानी में खेल रही है। बारिश आने की संभावना लग रही है, अभी तक बहुत धूप था यहाँ पे। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं बड़ा वाला वाटरफॉल देखने के लिए। आप कितना भीड़ हो चुका है यहाँ पे, फोटोग्राफर से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वाटरफॉल पे, यहाँ पर भी लोग फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं सब। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा पानी वाटरफॉल की तरफ नीचे जा रहा है और फिसलन हुए हैं यहाँ पर, इसलिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ग्रीन कलर के, पहले नहीं थे ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कहाँ तक गए हुए हैं।
बताइए थोड़ा सा बहुत, इस बार को पकड़ के चढ़िए और उतरिए सबसे अच्छा। तो अभी हमने रामलिंग का वाटरफॉल देख लिया है, बहुत सही है, पानी का लेवल भी कम है तो आसानी से हम पानी में खेल वगैरह सकते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है यहाँ पे। इस तरफ से भी जो है पानी आता है लेकिन वहाँ पर ऊपर जाने के लिए अच्छे से रास्ता नहीं है। यहाँ पर भी एक वाटरफॉल का सीन है और ये देखिए हाथ पर भी लग गया, क्या लगा है मुझे भी नहीं पता। अभी जो है बहुत सारी भीड़ आ रही है और वाटरफॉल को जाकर आने के बाद आप यहाँ पर नाश्ता भी कर सकते हैं, गरम गरम भजी वगैरह वो बना के देते हैं। अभी जो है हम प्रमुख मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस टेंपल में अभी हम जाके दर्शन लेंगे। ये मंदिर का परिसर आप देख सकते हैं, बारिश आने की संभावना है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वाला लोकेशन शेयर कीजिए पहले, उसके बाद वीडियो शेयर कीजिए। यहाँ पर टूरिज्म बहुत कम है, आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।